एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप, जैसे कि प्राइवेसी लागू हुई थी, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी लागू हुई थी और उसकी वजह से कि आप भी सोशल मीडिया पे या देख लो या यूट्यूब पे देख लो, इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं और इस तरह से हल्कमसी मच गई है कि हर जगह वीडियो अपलोड होने लगी है, हर जगह चर्चा होने लगा है कि व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप सभी के दिलों में और सभी के फोनों में और सभी की तरह से व्हाट्सएप ही ज्यादा यूज होने वाली 20 मिलियन के बराबर व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप से रिलेटिव। आपको व्हाट्सएप की तरह से आपको कोई भी टेंशन, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के सारे पार्ट और सारा बातें, सारी सब कुछ मैं आपके सामने आज वगैरह वगैरह सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप क्या प्राइवेसी पॉलिसी लागू है या नहीं है और व्हाट्सएप के क्या रूल्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ बातें क्लियर करने वाला हूँ और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की इस वीडियो में आपकी व्हाट्सएप से रिलेटिव सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप व्हाट्सएप से रिलेटिव होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो आज मैं बताना चाहूंगा पॉलिसी और प्राइवेसी का मतलब क्या होता है और प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या, आपका कोई भी डाटा हैक किया जाएगा क्या, आपका डाटा कोई भी यूज किया जाएगा या आपकी चैटिंग यूज की जाएगी या कोई भी आपकी वीडियो यूज की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बात करने वाला हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप पे अभी ट्वीट करके बताया गया है कि अभी ये पॉलिसी जो है लागू नहीं होगी, इसकी डेट आगे को बढ़ा दी है। तो इस डेट के आगे के बढ़ाने का कारण क्या है, क्योंकि ये पब्लिक में ज्यादातर बहुत अलग तरीके से इसका मिस यूज किया जा रहा है, मतलब कि मिस यूज किया जा रहा है। तो पब्लिक इसको इससे हैरान है और डर रही है, पता नहीं क्या होगा व्हाट्सएप, क्या पता हमारा कोई भी डाटा हैक करेगा या हमारे साथ में क्या करेगा या हमारे साथ में हमारी चैटिंग पढ़ लेगा या कुछ भी। अगर आपने पहले नहीं सोचा तो आज क्या सोचना है, ठीक है। व्हाट्सएप कभी भी 20 मिलियन के बराबर इस पे डाउनलोडर है और कभी भी व्हाट्सएप ऐसा आपके साथ में नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि फेसबुक की एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, तो मान के चलो फेसबुक की एप्लीकेशन है, फेसबुक का डाटा फेसबुक पे रहता है। अगर मान के चलो कोई भी अगर सर्च कर रहे हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि अगर आपने मान के चलो यूट्यूब पे सर्च किया कि हम पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब पे आपने सर्च किया तो वहां पे आपको जो यूट्यूब शो करेगा आपको पैसे से रिलेटेड वीडियो शो करेगा। अगर आपको साउथ मूवी देखने का शौक है तो आपको शो करेगा यूट्यूब साउथ मूवी देखने का शो। अगर बॉलीवुड मूवी देखने का शो है तो बॉलीवुड मूवी शो करेगा। अगर आपको हिंदी सॉन्ग देखने का शो है तो हिंदी शो करेगा। इसी तरीके से जो है एक फेसबुक का डेटा अपने पास रखता है, इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो कोई भी सोशल मीडिया अपना डेटा उसी बंदे को उसी तरीके से दिखाता है। तो ऐसा ही पॉलिसी लागू करने का मतलब यही है कि और ज्यादा कुछ नहीं होता है, पॉलिसी यही होती है कि डाटा को किस इंसान को क्या पसंद है, ठीक है। मान के चलो अगर स्टोरी, एक स्टोरी होती है सोशल मीडिया पे जो है, एक स्टोरी ज्यादा देखते हैं बंदे आजकल के टाइम में। तो मान के चलो अगर आपने स्टोरी देखी है तो उस बंदे को आपकी व्हाट्सएप पे ये दिखाएगा दूसरे बंदे को कि आप स्टोरी में क्या देखना पसंद करेंगे, तो उसी बंदे को स्टोरी में वही दिखाएगा। तो सोशल मीडिया डाटा जो है ऐसा कुछ नहीं, आपकी चैटिंग कहीं भी मिसयूज नहीं होती और आपकी चैटिंग भी कोई नहीं देखता है, और ना ही तो आपकी चैटिंग देखेगा ना ही तो आपकी कोई वीडियो देखेगा, इससे आपका या व्हाट्सएप का कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेसी लागू होने का मतलब यह है कि आप मिसयूज या गलत काम ना करें। तो इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी डाटा हैक नहीं होगा, आप स्टोरी में ये व्हाट्सएप की जाकर देख सकते हैं, वहां पे कल की डेट में व्हाट्सएप पे ये लागू कर दिया गया, आप स्टोरी में देख सकते हैं और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेसी आगे को डेट बढ़ा दी गई है और यहाँ पे ये कह दिया गया है साफ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। ट्वीट पे जाके देख सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ऐसा आपको डरने वाली बात नहीं है, कोई भी आपका पॉलिसी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगर आप फेसबुक पे मैसेजिंग करना चाहें तो उससे भी कभी आपको फेसबुक नहीं देखता है, उसको भी रेड नहीं करता। अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, ये नहीं कह सकता मैं नहीं करेगा, मगर वो करना चाहे तो कर सकता है, मगर आपकी मैसेजिंग से या वीडियो से आपका जो भी मैसेंजर में बात कर रहे हैं उससे व्हाट्सएप नहीं कुछ भी आपको नहीं तो उस डाटे को शेयर करेगा नहीं तो कुछ करेगा। आपकी जो स्टोरी होती है स्टोरी उसको पब्लिक के सामने पहुंचा सकता है। आपने कोई स्टोरी में डाला है अपनी व्हाट्सएप पे पब्लिक, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब यह है, अगर आपने व्हाट्सएप पे अपनी कोई स्टोरी लगाई है, ठीक है, आपकी स्टोरी को पब्लिक तक पहुंचा सकता है, डेटा वो जो है स्टोरी का आपके फेसबुक को दे सकता है, इंस्टाग्राम को दे सकता है, ऐसा डाटा आपको दे सकता है। मगर आप जो सोचते हैं कि शायद आपका स्टेटस का डाटा नहीं देगा और हमारी चैटिंग का डाटा देगा या हमारी वीडियो कॉल देगा या कोई भी ऐसा मिसिंग देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो स्टोरी का डाटा होगा वही डाटा किसी भी बंदे को दे सकता है। अगर मान के चलो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा पब्लिक हो रही है
और आपके बंदे को मतलब आपके फ्रेंड्स या आपके जितने भी चाहने वाले होते हैं आपकी स्टोरी को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, आपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रखी है, तो इसी तरीके से जब ज्यादा देखते हैं वो रैंक कराने की तरीके से आपके फेसबुक को दे सकता है या व्हाट्सएप को दे सकता है, उसको दे सकता है आपकी स्टोरी को पब्लिक करने के लिए। तो ये रूल्स बनाया है पॉलिसी में, ठीक है, व्हाट्सएप ने ये रूल्स बनाया और इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी तो डेट बहुत लंबी कर दी है, जनवरी करीब में अप्रैल के करीब में इसको डेट बढ़ा चुके हैं, और ऐसा भी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको बिल्कुल पॉलिसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि पॉलिसी ऐसी एक खराब चीज नहीं है और पॉलिसी क्या से हमारा ही खुद का फायदा है। मैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप आपके साथ में मिसबिहेव नहीं करेगा, और व्हाट्सएप जो है आपकी सेफली चाहता है, आपको पब्लिक में दिखाना चाहता है और आपकी पब्लिक बनाना चाहता है, सोशल मीडिया बनाना चाहता है, तो व्हाट्सएप गलत नहीं कर रहा। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है आपको आगे ले जाना, तो ठीक है, व्हाट्सएप आपके लिए ही अच्छा कर रहा है, व्हाट्सएप कुछ गलत नहीं सोच रहा है, तो व्हाट्सएप को उसी से फायदा भी होगा, क्योंकि अगर वो आपकी स्टोरी को कहीं पर रैंक कराएगा तो उसको उसकी कमीशन मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप को कमीशन मिलेगा। अगर फेसबुक पे दिया तो मतलब एक तरीके से मान के चलो इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी को दे दिया और वहां पे उसने कर दी पब्लिक और वो अच्छी तरीके से वायरल हो गई, पब्लिक हो गई, सोशल मीडिया बन गई, तो इंस्टाग्राम जो है वो आपको पब्लिक मतलब उसका कमीशन दे सकता है व्हाट्सएप को। तो यही सब कुछ है और ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो में फिर आपसे इससे भी टॉप वीडियो लेके आ सकता हूं और आपको सब कुछ डाउट क्लियर करता रहूंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।